नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबसे बड़ा महाबली। अब देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है। यह सच है, मृत्यु किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। मृत्यु के असंख्य रूप हैं। कोई भी रूप मृत्यु का रूप हो सकता है। और ये भी सच है कि मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है, चाहे साधारण मनुष्य हो या हो महाबली भोकाल। लेकिन इसके साथ ये भी सत्य है कि अगर समय पूरा ना हुआ हो तो मृत्यु चाहे किसी भी रूप में आए, वो बाल भी बांका नहीं कर सकती। उफ, इन भयानक सर्पों की तेजी से चलती श्वासों को सुनकर अगर मेरी नींद ना टूट गई होती तो इस समय इनका घातक विष मेरे शरीर भी पिघला रहा होता। उफ, इनके खंजरों का निशाना मेरा सीना ही है। विद्युत की तेजी से पलटी खाकर भोकाल ने अपना सीना तो बचा लिया, लेकिन कंधा नहीं बचा पाया। खच, उफ, पीड़ा के एहसास ने एक क्षण के लिए भोकाल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसी क्षण भोकाल की सतर्कता मात खा गई। उफ, जकड़ इतनी मजबूत है कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इन्हें नहीं खोल पा रहा हूं। इस तरह तो ये दोनों आसानी से मुझे अपना शिकार बना लेंगे। मुझे तुरंत ही बोलना होगा, भोकाल, अपने दिव्य महागुरु का नाम पुकारकर भोकाल ने अपने शरीर में भर ली थी वो असीम शक्ति, जो किसी भी शक्ति के जाल को छिन्न-भिन्न कर सकती थी। अपने हाथ में संभाल ली थी वो प्रलयंकारी तलवार, जिसके सामने ना शत्रुओं के हथियार ठहरते हैं और ना उनकी गर्दनें। खच, मेरे प्राण लेने आए इन भयानक सर्पों की शारीरिक बनावट जैसे पृथ्वी के किसी भी भाग पर नहीं पाए जाते हैं। कहां से आए हैं ये दोनों और इनकी मुझसे क्या शत्रुता हो सकती है? इनकी तुमसे कोई शत्रुता नहीं भोकाल, लेकिन मेरी तुमसे है। इन्हें तो मैंने तुझे मौत की नींद सुलाने के लिए भेजा था। मैंने यानी दुर्गमा ने, और इस विलक्षण शस्त्र के बल पर दुर्गम्मा के लिए ऐसे भयंकर जीवों को बना लेना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और इस शस्त्र को मैं पताल के एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर बसे संधि लोक से चुरा कर लाया हूं। मेरा पहला प्रयास असफल रहा। खैर, कोई बात नहीं, अगले प्रयास में मेरी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। टनाक, ओह, ये ध्वनि, ये तो अखंडनाथ की ध्वनि है। टन, इसका अर्थ है कि टन, कोई गहरे संकट में है और उसे भोकाल की सहायता चाहिए। मुझे तुरंत ही वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पहुंचने ही वाला होगा भोकाल। क्या हुआ श्रीमान, आपको अखंडनाथ बजाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं राज्य के वन में स्थित संगाई कबीले का निवासी हूं। हमारे कबीले में एक अत्यंत भयानक सिंह ने भयंकर आतंक मचा रखा है। हमें उस सिंह के आतंक से तुरंत ही मुक्ति दिलाइए महाबली। निश्चिंत हो जाओ श्रीमान, आपको उस सिंह से मुक्ति मिलेगी तुरंत ही। भोकाल के उस निर्णय ने दुर्गम्मा की बाँछें खिला दी। वाह, भोकाल किसी सिंह का खात्मा करने तुरंत ही वन में जा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब मैं भोकाल से पहले पहुंचूंगा वन में। भागो, बचाओ, यही है वो नरभक्षी सी जिसे मारने के लिए भोकाल जंगल में आ रहा है। लेकिन क्या भोकाल इसे मार पाएगा? ओह, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये सिंह मरेगा या भोकाल।
सिंह की दहाड़ और किसी के चीखने की आवाज उधर से आ रही है। निश्चय ही वो नरभक्षी सिंह किसी को अपना शिकार बनाने पर उतारू है। आई मुझे अतिशीघ्र वहां पहुंचना है। भुकाल वहां पहुंचा तो पल भर में ही, लेकिन वहां पहुंचते ही कई पलों के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। ओह नहीं, पथरासी पथरासी गई थी उसकी वे आंखें। जो सामने मौजूद उस दृश्य को देख रही थी। ओह ये कैसा सिंह है जिसका आधा शरीर सिंह का है और आधा नर का? नहीं, इसे सिंह कहना ठीक नहीं होगा, इसे तो कहना होगा नरसिंह। ओह वो एक आदिवासी को अपना शिकार बनाने जा रहा है और मुझे उसे बचाना है। धार जंगल के जर्रे जर्रे को थरा देने वाली धार के साथ भुकाल की तरफ पलटा नरसिंह। सभी भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। नरसिंह के पहले वार के साथ ही भुकाल को पता चल गया कि जितना आसान वो समझ रहा था, नरसिंह को संभालना इतना आसान था नहीं। उफ, ये तो विद्युत की तरह आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा है। इसके शीश को तुरंत ही इसके धड़ से अलग करना होगा। भुकाल की तलवार उसके हाथ में चमकने लगी। भरपूर वार हुआ, लेकिन ओह इसकी गर्दन बालों से भरी होने के कारण मेरे भरपूर वार का इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी गर्दन भी मेरे सामने है और अगला वार करने के लिए तलवार भी मेरे हाथ में है। ओह भुकाल ना अगला वार कर पाया और ना तलवार उसके हाथ में रही। नरसिंह के एक हाथ की हरकत ने भुकाल के हाथ से तलवार और दूसरे हाथ की हरकत ने उसके कान से करहा निकाल दी। उफ तुरंत ही संभला भुकाल, अत्यधिक चपल और फुर्तीला है ये। शक्ति के मामले में भी इसका कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नहीं 100 सिंहों से एक साथ लड़ रहा हूं, परंतु फिर भी ये मेरे सामने अधिक देर तक नहीं टिका रह सकता। मेरी शक्ति इसकी शक्ति को ध्वस्त कर ही देगी। शक्ति के विरुद्ध शक्ति का उपयोग करते भुकाल को क्या मालूम था कि नरसिंह शक्ति के साथ ही बुद्धि का भी उपयोग करेगा। ओह शक्ति की उस लड़ाई में नरसिंह ने बुद्धि का प्रयोग पहले किया था, इसलिए बाजी उसके हाथ में थी, जबकि भोकाल के हाथों से बाजी के साथ साथ जीवन की डोर भी फिसलती जा रही थी। उस नरसिंह के हाथों तेरी यह लीला ठीक वैसे ही समाप्त होने जा रही है जैसे हिरण्यकश्यप की हुई थी। नरसिंह के नाखून तेरे शरीर में धंसने आरंभ हो गए हैं, अब तेरा शरीर कब दो भागों में चिर जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। पीड़ा के एहसास ने भुकाल को स्थिति का आभास कराया। उफ ये क्या हो रहा है, ये तो नरसिंह मेरा सीना फाड़ने का प्रयास कर रहा है, मुझे इसकी पकड़ से तुरंत ही छूटना होगा। लेकिन चोट के प्रभाव से घूमते मस्तिष्क और छीन होती शक्ति के साथ अब छूटना इतना आसान कहां था। उफ इसने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है, ऐसे में मेरा इससे छूटना असंभव है, और अगर छूटना असंभव है तो अपने आप को दो हिस्सों में चीरने से बचाना भी मुश्किल है। क्या करूं, बचने के लिए क्या करूं मैं? एक क्षण, मेरी तलवार, लेकिन तलवार मेरी पहुंच से दूर है, क्या मैं उसे उठा पाऊंगा? उठाना ही होगा, मुझे अपने हाथ को तलवार तक पहुंचाना ही होगा। तलवार को उठाना ही होगा। बचने की इच्छा ने भुकाल के हाथों उस दुभर कार्य को आसान करवा दिया था। और फिर खच, तलवार पलक झपकते ही
नरसिंह के शरीर में पैवस्त होती चली गई और अब उस भुकाल के शरीर को चीरने चला था, जिसे तेरे जैसे सैकड़ों पापियों के शरीर को चीर डाला है। ओह, भुकाल ने नरसिंह को भी समाप्त कर दिया। मैं क्या करूं, क्या करूं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिन्हें इनकी जरूरत हो। ओके, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।